लोगों ने लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा है जो ऑडियो लॉन्च किया है। थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रोसेस था इसका, कौन से सिचुएशन में आया थोड़ा सा हमारे सिचुएशन तो ज़्यादा डायरेक्टर साहब समझा सकेंगे, लेकिन हाँ विपिन ने जब मुझे बुलाया तो अच्छा लगा कि मेरा दोस्त म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहा है, ये खुशी थी। और क्योंकि विपिन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं पहले से मतलब जो एक नॉर्मली होता ना कि जब लक्ष्मण काम पहले लाल जी बुलाते हैं, पंचम का बुलाते हैं, कल्याण भाई बुलाते हैं, थोड़ा सा डर होता है या साथ में कौन लाएगा, गाना कैसे वाल लाइक होता था उस वक्त। एक तो क्योंकि विपिन जी थे तो वो डर पहले से नहीं था, और जब मैंने गाना सुना, ट्यून सुनिया तो मुझे मालूम पड़ा कि गणपति बप्पा का गाना है, तो अच्छा लगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फियर में गाना रिकॉर्ड किया, मतलब बहुत गाते हुए एंजॉय किया। और विपिन क्योंकि था कि अगर मुझे मतलब उसने 10 बार मुझसे गवाया जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब जब तक तुझे अच्छा नहीं लगता आपको डायरेक्टर साहब को तब तक मुझसे गवाते रहो। और ये नेचुरली जो आप जैसे गाना सुन रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल का मतलब एक सीन है, तो उसमें ये सारे कैरेक्टर उनके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया। जी बिल्कुल छा जाना चाहिए, गणपति बापा की कृपा है। और क्योंकि विपिन चुनावाला कई सालों से नवरात्रि का बहुत बड़ा मतलब शो करते हैं कई सालों से, और ये नवरात्रि घाटकोपर में डोंबिवली में बहुत फेमस है, वो बहुत ज़्यादा मतलब 50,000 से 1,00,000 लोगों से ज़्यादा होते, तो ये 10 दिन वहाँ तो बजेगा, तो ज़रूर हैमर होगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये गाना हिट होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या खास बात थी सर को बुलाया गया, क्योंकि सर ने बहुत ही हिट गाने दिए, और ये गाने के पीछे क्या रीज़न है? सुंदर जी ने अभी भी बताया कि जब वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाने को जाते थे डर लगता था, यहाँ उल्टा था, मैं थोड़ा सा डर रहा था सुदेश जी से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना एक्सपेक्टेशन मुझे है उतना सुदेश जी को होना चाहिए। और आने के बाद उन्होंने जिस तरह से गाया, जैसे हमारा वैसे तो ट्यूनिंग 30 सालों से है कॉलेज के ज़माने से, तो गाने के जरिए दिखता है कि ये जो गाना आया जैसे मैंने उनके लिए बनाया और उन्होंने मेरे लिए गाया। और गाने की वर्डिंग लिरिक्स है, अपने इतने गाने सुने होंगे, आगमन पे गाने बहुत कम होते हैं, यानी होते होंगे लेकिन मैंने नहीं सुना। तो जब बाबा मंडाल में आएंगे या आते वक्त ये बजेगा तो बहुत ही बढ़िया उसका वो होगा, क्योंकि ये बजने के बाद एक अलग सा वाइब्स आता है, पॉजिटिवनेस आता है। और रियल ये बहुत गाना यानी मैं धन्य हो गया, ऐसे लगता है कि ये गाना अगर आखिरी होगा तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी देन है, लेकिन ये गाना मेरे लिए ओपनिंग सा, जैसे ओपनिंग में गणपति जी का गाना आना बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर जी जीत कुमार और हेमांगनी को बधाई भी देता हूँ और थैंक यू भी बोलेगा। और मनोज भाई, वो आप अभी गाना देखोगे बहुत अच्छी तरह से, वो दिखते ऐसे हैं लेकिन वो जब बैटिंग पे जाते हैं तो सेंचुरी मार के ही आते हैं, इस तरह का उनका ये डाउन टू अर्थ आज भी मैंने पहली बार देखा, नहीं तो डायरेक्टर एक अपने इमेज में रहता है। तो ये जो टीम है बहुत ही बढ़िया टीम है, और बढ़िया टीम होने से गाना भी और खिल के आएगा जो आप देखेंगे बाद में। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज यहाँ पे ये गाना लॉन्च होने जा रहा है बिल्कुल गणपति उत्सव के पहले, तो ये गाना हिट तो होगा ही, मेरा अंतरात्मा कहता है, और आप लोग तो है ही सुनने वाले, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच। दोनों प्रोड्यूसर से जाना चाहेंगे, दो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, कैसे कोलैबोरेशन हुआ सबसे पहले ये बताइए, और फिर गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का थोड़ा सा ये बताइए। आप बोलिए पहले, आप बोलिए बस, ये महिला फर्स्ट है। वैसे ये कोलैबोरेशन कुछ साल पहले ही जानते थे, मैं बेसिकली आई एम अ हीलर, आई टेक सेमिनार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इसी तरह से एक्चुअली जीत कुमार से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि वो मेरे एक सेमिनार को अटेंड करने आए थे,
फिर ग्रेजुअली यू नो एज आपके स्टूडेंट बनते हैं लोग तो आपका उनसे मिलना होता रहता है. तो उन्होंने एक दिन बताया अरे मैं यू नो मूवी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं मूवी बना रहा हूँ. आई वाज लाइक ओके फाइन, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप. फिर ऐसे ऐसे कुछ तो वो दो चार स्टोरियाँ कुछ उन्होंने पहले सुनी थी. तो यू शुड जस्ट कम एंड से कि कैन यू फील इन सेंस कि ये अच्छी चीज़ है या अच्छी स्टोरी. आई वाज लाइक नॉट दिस नॉट दैट. तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि एक स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से मैंने कभी ये गॉड का है और मेरे गुरु जी हैं उनकी वजह से यू नो यू जस्ट कम टू नो थिंग्स इन सेकंड्स विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर समवन टू अंडरस्टैंड. तो कुछ सेकंड्स में ही लगता है ये ठीक है ये ठीक है. तो एक बार ऐसे ही वो उल्टे की स्टोरी लेके आए कि मेरे माइंड में ये स्टोरी नहीं थी पैसे की, ये थॉट था कि मेरे माइंड में ना एक ये थॉट आया है. तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा थॉट है कि इसमें आई वॉज लाइक इस पर मूवी बना दीजिए. ठीक है, इससे पहले वो 10-15 स्टोरीज बता चुके थे. एंड द मोमेंट ही विल स्टार्ट आई सेड ये अच्छा नहीं, इसे सुन तो लीजिए. मैंने कहा कि इसका फीलिंग मुझे अच्छा नहीं आ रहा है. तो इट इज़ लाइक दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी सर, आई सेड यस, फिर इसमें ये हो सकता है वो हो सकता है. तो पूरी लाइन जीत कुमार ने ड्रॉ की कि अच्छा ऐसे ये स्टोरी है. तो मैंने कहा अब स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन स्टोरी में डायलॉग भी लगता है, स्क्रीन प्ले भी लगता है, सब कुछ लगता है. तो हाउ टू गो अबाउट इट. सो इट वॉज लाइक आई नो मनोज नाथानी जो डायरेक्टर और राइटर है मूवी के. तो उन्होंने कहा मैं मनोज भाई को जानता हूँ, मनोज भाई से लिखवाते हैं. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. फिर मिलना मनोज भाई से हुआ हमारा. एंड इट इज़ लाइक जब मैं मनोज भाई से मिली तो मैंने कहा कि देखिए ये स्टोरी लाइन है, इसको आपको सजाना है, आपको स्क्रीन पे डालना है, डायलॉग डालने हैं. तो मनोज भाई ने कहा मुझे बस आप 2 दिन दीजिए, मैं आपको 2 दिन में कुछ सुनाता हूँ इसके ऊपर. तो जो स्टार्टिंग की एक रेंज बनाई मनोज भाई ने तो वो सुन के मुझे वाकई लगा ये बहुत अच्छा है. फिर एक ये पता है एक बहुत अच्छा टीम वर्क बन गया कि मनोज भाई भी एक ऐसे इंसान है कि मैंने नहीं देखा कि वो इतना ईगो पकड़ के कभी चलते, वरना कभी कभी होता ना अरे मैं राइटर हूँ मैं ये हूँ मैं क्यों सुनूँ. लेकिन कभी कभी वो जब हमसे स्टोरी लाइन डिस्कस करते थे, डायलॉग डिस्कस करते थे, तो बहुत से डायलॉग में इतनी हंसी आ जाती थी कि ऐसा लगता था मनोज भाई ये बहुत अच्छा है, ये टैगलाइन बहुत अच्छी है. तो उस तरीके से शुरू बहुत कभी कभी लगता था नहीं मनोज भाई ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं चल रहा है. तो ही इज़ लाइक ओके हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं. सो ही वॉज ओपन फॉर सजेशन, दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आउटकम. क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसा डायरेक्टर का अपना विजन होता है, राइटर का अपना विजन होता है, लेकिन प्रोड्यूसर का भी अपना ही विजन होता है. क्योंकि उसका भी इतना ही फिल्म होता है जितना हर किसी का होता है. तो मनोज भाई के साथ काम करके एक ये एहसास हुआ कि वो जो कभी कभी होता है डायरेक्टर मतलब ये होता है कि मतलब वो एक चीज़ चली है कि उनके साथ एक बहुत डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ गई कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ओपन होते हैं लोग, आपको सिर्फ सही लोगों के साथ काम करना होता है. वैसे फिल्मों में आने से पहले भी बहुत लोगों ने डरा था अरे प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं क्या होता है, प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं पिक्चर में क्या होगा, ऐसा हो जाता है पैसा लगा दोगे फिर ये होगा वो होगा. लेकिन मैं तो कहती हूँ हर इंसान को एक बार जिंदगी में हर किसी का काम होता है या तो पिक्चर में आना या तो पिक्चर बनाना, लेकिन आपको सिर्फ एक सही टीम मिलनी चाहिए और एक सही टीम के साथ आपको काम करना चाहिए. और मैं कहूँगी सच में फिल्मी नगरी माया नगरी है और इसका जो रंग है वो एक बार जीवन में ज़रूर आपको अनुभव करना चाहिए. जी सर, आपसे जानना चाहूँगा इतनी सारी टीम को साथ में लेके आना, मैम ने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने रिजेक्ट भी की है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. मतलब मैं मनोज जी के साथ में पहले फिल्म को ऑलरेडी बना चुका था. हम दूसरी फिल्म के लिए मैंने हेमांगिनी जी को ये सारी स्टोरी सुनाई तो उनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हम जुड़े मनोज जी के साथ जुड़े. और मनोज भाई ने वो वन लाइनर को इतनी अच्छी तरह से सजाया जो हम सोच भी नहीं सकते उतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया. और जैसे समझा ना मतलब कि एक लाइन दी उसके बाद पूरी स्टोरी उन्होंने खड़ी कर दी और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी तरह से उनके गाने बनाए. और जो जैसे जैसे ये मराठी बेस्ड फिल्म है, मराठी गांव की फिल्म है, उसको उन्होंने गणपति का बनाया, मैंने इसलिए सजेस्ट किया था. गणपति का गाना बहुत अच्छा बना और आज उसकी हम लोग रांची में सुदेश जी के स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये पूरी फिल्म बनी है. तो आप दोनों का कितना इम्पोर्ट होने वाला है, हालांकि डायरेक्टर राइटर का तो इनपुट होगा ही लेकिन आप दोनों का कितना इनपुट होगा? मेरे हिसाब से हेमांगिनी जी का बहुत ज़्यादा इनपुट है, वो हर एक चीज़ में ध्यान देते थे,
स्टोरी से लेके मेकिंग से लेके सॉन्ग से लेके हर एक उसमें उनका ज्यादा हाथ है, तो वो हर एक चीज अपने घर में देखते हैं। मैं जस्ट मतलब मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन बेटर वो सारी चीज उन्होंने डेवलप की है। गणपति सॉन्ग तो बेसिकली उनका ही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि दोनों डिस्कस करके सारी सारे डिसीजन लेते हैं, गाने के इसमें कितना इनपुट था उनका, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। नहीं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर तो विपिन है, वो मुझे जैसे उसके ट्यून है और उसके जो सुर हैं वो बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा उस वक्त डायरेक्टर साहब मनोज जी के साथ साथ हिमांगी जी बहुत इन्वॉल्व थे उसका, वो भी अपने सजेशन दे रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने विपिन से भी कहा, और मुझे जानता है कि जब तक आज भी मैं किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी जाता हूँ, मतलब जब तक आपको ठीक नहीं लगे ओके नहीं उसे गवाते रहो, पूरे दिन गवाते रहो, तो वही मैं एटीट्यूड लेके उस दिन भी गया था। तो और मैंने देखा कि सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मनोज जी, हिमांगी जी और जीतू जी और हमारे अरेंजर साहब, सबकी इन्वॉल्वमेंट थे। और सब लोग, अगर मैं एक लाइन गाऊं तो 500 लोगों को मुझे सेटिस्फाई करना था। और कई कई बार वो डिस्कशन होते हैं, किसी इनको अच्छा लगता तो विपिन बोलते कि वापस करो, तो जब तक वो सारा हुआ नहीं मुझे लगा कि सारे लोग बहुत मतलब दिल से इसमें इन्वॉल्व है। और मैं और एक मतलब बिना पूछे एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये कि ये विपिन का आइडिया था, कि पहले तो उसने कहा था कि ये लॉन्च हो रहा है, सुंदेश हम लोग तेरे घर पे कैमरा लेके आएंगे, तेरी बाइट चाहिए, ओके। फिर ये उनकी आइडिया था कि क्योंकि मुझे बचपन से देखा है हमने कितना दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया है, तो उसको जब मालूम पड़ा कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, स्टूडियोज बनाए, तो मैंने मुझे भी अच्छा लगा। और इसमें एक मकसद था सबका कि शायद मेरी तरफ उनका मतलब जो एक पॉजिटिव मेरे लिए अच्छा सोच रहे सभी टीम, तो सुदेश जी हम आपके यहाँ कहीं करेंगे और लॉन्च के साथ आपकी जगह को भी प्रमोट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, इस स्टूडियो का नाम है मतलब ग्रेविटी स्टूडियो, और ये जो वास्तु है इसका नाम है सुमन, जो मेरी माँ का नाम है। और जिस रास्ते पे आप आए हो ये है गोरेगांव वेस्ट में तिलक नगर, एनआर भोसले मार्ग, चित्रकार एनआर भोसले मार्ग, जो मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी बैनर आर्टिस्ट थे, पोस्टर्स बनाते थे, झनक झनक पाल बाजी, मुगल आजम, दोस्ती, दादा कुड़के की सारी फिल्में, राजेश की सारी फिल्में, वो पोस्टर्स वो बनाने, तो गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया। तो मुझे खुशी है ग्रेविटी स्टूडियो, और इस वास्तु में इस बिल्डिंग में दो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, रिहर्सल हॉल्स हैं, शूटिंग फ्लोर है, सब कुछ है। तो सारे कलाकार, गायक, चित्रकार, म्यूजिशंस, ऑल आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में आपको सही सही जवाब देने वाले दो लोग हैं, एक है जीत जी और एक है हमारे डायरेक्टर मनोज भाई। और मैं मनोज भाई के लिए फिर से ऐड कि वो डायरेक्टर अच्छे हैं, हालांकि मैं उन्हें एज अ राइटर ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन एक वन लाइनर स्टोरी को लेके पूरी फिल्म लिखना मुझे वो ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। दूसरी बात जो सुदेश जी ने कहा कि उनका स्टूडियो है, ये है, आपको पता है कभी कभी है ना अच्छे लोग होते हैं उनसे आप कनेक्ट होते हो ना तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। सुदेश जी इतने अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनकी यहाँ तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। कभी कभी आप एक इंसान को इतने सालों तक कामयाबी पे देखते हो तो उन्हें जब इंसान थोड़ा नज़दीक से देखेगा ना तो जानेगा कि क्यों भगवान ने उनको ये कामयाबी दी है, वो सच में वो डिजर्व करते हैं। और मैं तो दिल से कहूँगी, एक ही बार मिलूँ लेकिन दिल से कहूँगी कि उनकी कामयाबी के पीछे मुझे ऑब्वियसली ईश्वर के आशीर्वाद है, उनके माता पिता के आशीर्वाद है, लेकिन उनकी प्यारी पत्नी का, अगर आप उनसे मिल लो तो लगेंगे कि हाँ इंसान का सक्सेसफुल होने के पीछे, हम कहते हैं ना कि एक स्त्री का हाथ होता है, तो मुझे तो सच में ये कपल सबसे लवली कपल इतने सालों में लगे। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी सारी स्टार कास्ट है, इतने रोल केसेस हैं, इन सबको एक साथ लेकर काम करना एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग तो था, लेकिन उसके लिए वो भी श्रेय मनोज भाई को जाता है। मनोज भाई ने हर एक लोगों को अच्छी तरह से जोड़ा और ये टीम बनाई, और ये उल्टे जो नाम है वो भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था,
उत्तमराव लक्ष्मण राव तेंदुलकर जो कैरेक्टर का हमारा नाम है वो नाम उल्टे हैं लेकिन वो बंदा एकदम सीधा है, जो जो बंदा है वो एकदम सीधा है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है कि मतलब जो बोगस वोटिंग के ऊपर उसकी पूरी स्ट्रगल होती है कि उनको कैसे पकड़ता है, तो पूरा कॉमेडी वैसे बनाई गई मूवी है। और इसका जो श्रेय है टाइटल का वो मनोज भाई का आइडिया था और मनोज भाई ने पूरा कैरेक्टर क्रिएट किया होगा। एक दो मिनट क्योंकि आप में से काफी लोग मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग काफी मिलते तो मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सके, मौका मिला है सुरेश जी के सामने भी बोलने का। तो एक्चुअली जीतू भाई ने जब मैडम से बात की थी और ये वन लाइन मुझे बताई कि ये आइडिया है इससे करना है, तो उसी वक्त जीतू भाई को भी कहीं जाना था तो हम लोग रुक गए 3 घंटा। हम लोग एक होटल के बाहर फुटपाथ पे मैं बड़बड़ करते गया ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा और जीतू भाई सुन रहे। और फिर 4:30 बजे हम लोग अलग हुए, फिर कुछ मतलब सब्जेक्ट अच्छा कुछ करना है आगे। तो जीतू भाई बोले कि अभी दशहरा आ रहा है और मैडम की इच्छा हम लोग दशहरा को इसको अनाउंस करना है। तो बोला अभी 2 दिन बचे हैं, बोला क्या करेंगे। तो मैं बम्बई की ट्रैफिक के कारण मैं बाइक पे काफ़ी घूमता हूँ, तो मैं बाइक पे निकला, बोला कुछ तो टाइटल होना चाहिए। सोच रहा था कभी ऐसा था मेलिया बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, फिर अचानक मलाड के ट्रैफिक में रुका और तभी ख्याल आया उल्टे। तो अभी उल्टे क्या होगा, तो फिर कैरेक्टर तो डेवलप किया था कि जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि तेल चढ़ाते भगवान को, हम लोग बोलते बहुत ज्यादा और वही तेल बेच के लोग कमाते, तो वो बोलता है तेल बेचना सीखो। तो वो समाज से कुछ विपरीत बात कर रहा है वो आदमी, क्योंकि वो कैरेक्टर था वो साइंटिस्ट का भी थोड़ा टच था उसको, मतलब बराबर है। फिर उसको उल्टे के लिए फिर हमने सोचा उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर। तो ये 2 घंटे के अंदर बना और वो टाइटल सभी को जैसा आप लोग को पसंद आया ज्यादा, अभी कोई बेटी ने बताया कि आज तक टाइटल नहीं सुना है। और ये एक्चुअली मैंने काफी दूसरी फिल्में की है तो कभी कभी ना टाइटल बहुत गड़बड़ कर देते, टाइटल का वास्तु का बहुत इफेक्ट होता है ये। हाँ सच्ची मैंने एक फिल्म बनाई थी गोड़ बापा ना घोटाला, तो उसमें प्रोडक्शन वाला घोटाला करके चला गया। फिर मैंने एक फिल्म बनाई थी अमावस की रात, वो गुजराती में थी, तो जब भी हम लोग शूटिंग करते भूत की फिल्म थी तो हड्डी से उड़ जाती थी, 3 हड्डी उड़ गई तो मैं डर गया। लेकिन फिर हेमंगीन और जीतू भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी काफी जुड़े हुए, तो मैंने कहा ऐसा बोले नहीं टाइटल पसंद है आप इससे, तो अभी ये पहली फिल्म का टाइटल ऐसा इसमें सब सुलटे हो रहा है, टाइटल उल्टे है इसके लिए काम सारे सुलटे हो रहे हैं। काफी शूटिंग में भी हमको काफी ये पूरी टीम का वर्क है, टोटल हमारे कैप्टन बहुत सपोर्टिव थे कोई भी चीज में, मतलब मैंने जो भी थॉट रखे कि मुझे ये चाहिए तो वो मुझे मिला। ऐसे डायरेक्टर मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि आपको चलो ये बजट में थोड़ा कम कर दो ऐसा करो, तो वो बेस्ट पार्ट थी। और जब मैं बिपिन भाई से मिला, बिपिन भाई के साथ पहली बार तजुर्बा था, मैं उमेश भाई के साथ मिला था, तो उन्होंने जो पहला ही गणपति बापा का सुनाया तो सुरेश जी ऐसे वाइब्रेशन हो गए नहीं ये कुछ है और ये सचमुच भगवान करे सच हो, क्योंकि भगवान है दुनिया में और बापा तो विराजमान होते ही है, और जैसा हम चाहेंगे कि साल हर साल बापा का ये गाना बजता रहे, और जैसा आपने बताया मम्मी के नाम से है पापा का नाम का रूल है, लेकिन मैं तो इसको इस प्लेस को मैं सुमन सुदेश मंदिर ऐसा ही कहूँगा, ताकि उल्टे में उन्होंने काफ़ी हमें एक इतनी सेलिब्रिटी सपोर्ट किया। तो उल्टे के बारे में अभी बाद में और बात करें, आई एम थैंकफुल टू माई बोथ द प्रोड्यूसर्स कि कोई भी कमी उन्होंने अभी रिलीज में भी आप ट्रायल में भी देखेंगे तो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि रिस्क था सुदेशी ऑब्बिट है पॉलिटिकल सटायर है और ठीक है बाकी एंटरटेनमेंट पूरा ख्याल किया है, और महाराष्ट्र की भूमि इसके लिए क्योंकि हम यही मुंबई में, भले मैं गुजराती हूँ मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मैंने काफ़ी महाराष्ट्र के काफ़ी छोटे गाँव से लेके काफ़ी जगह घूमा हूँ, महाराष्ट्र के कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को मैं मुंबई का ही बोलता हूँ महाराष्ट्र ही समझता हूँ, तो वो मैं उनके कल्चर से जो जुड़ा था तो मुझे बहुत अपीलिंग रहा, कहानी के साथ बहुत जुड़ा हुआ था कि वो जो बहुत से ऐसे महाराष्ट्र फैमिली हम देखते हैं कि जो आज भी
जैसे व्हाट्सएप पे पुणे करके जोक्स भी आते हैं, तो दे गो विद द रूल, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। और मेरी फिल्म का यही टाइटल है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन। तो ये फिल्म की वन लाइन है, आगे की बात महानुभवों से आप सुनिए। थैंक यू वन सेकेंड, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उल्टे पहुंचाइएगा, क्योंकि गणपति का गाना आपको भी आशीर्वाद मिलेंगे, पापा आपके घर पे भी आएंगे, ये गाना आपके माध्यम से मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचे, फिर तो जो चीज पसंद आती है लोग अपने आप उसको फेमस कर देते। थैंक यू वो एक्चुअली एक गांव में एक विलेज में रहने वाला एक इंसान है जो मिड एज का इंसान है। अब इसमें जो हम पॉलिटिकल सटायर ला रहे हैं बोगस वोटिंग, ये काफी प्रेडिक्टेबल नहीं है, इट इज लाइक क्वाइट अ अनप्रेडिक्टेबल, एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है। एक थ्रिलर है कि वो बोगस वोटर को पकड़ेंगे कैसे, मतलब ये कोई हम ये जो कैरेक्टर है वो अपने आदर्श पे चलता है, लेकिन ये बिल्कुल वो मूवी नहीं है कि वो हर किसी को आदर्शवादी बनना सिखा रहा है या हम समाज को सुधारने जा रहे हैं, ये इसके ऊपर नहीं है। ना ही हम किसी पॉलिटिकल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ना ही किसी पॉलिटिशियन को लेके ये स्टोरी बनी है। ये स्टोरी इस मुद्दे पर बनी है कि उस दौरान थोड़ा इलेक्शन का माहौल चल रहा था और तब था कि अरे यहाँ वोकस वोटिंग होगा, ये हो गया, तो वो एक थॉट होता है कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे बहुत लोग खाली बातें कर रहे हैं ये ईवीएम मशीन के बारे में भी नहीं है, ये मूवी जो है ये इसके बारे में कि ये रैकेट चलता कैसे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये बोगस वोटर आते कहाँ से, ये करते कैसे, तो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन फॉर पीपल कि ये रैकेट चलता कैसे और ये सालों साल कैसे चलता है। अगर ये चल रहा है तो हम कहेंगे तो उसको कोई सपोर्ट भी कर रहा होगा या तो कोई उसको पकड़ता क्यों नहीं है। तो बेसिकली यही सस्पेंस है मूवी का जानना कि ये बोगस वोटिंग और ये बोगस वोटर्स आते कहाँ से हैं और ये बोगस वोटिंग होती कैसे है। तो जो जो लोगों को हमेशा सिर्फ बोल के छूटता है कि बोगस वोटिंग हो गई, मशीन में कुछ हो गया, ये हो गया, लेकिन ये मूवी उससे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप देखोगे तो ये एक यूथ के लिए एक नॉलेजेबल मूवी है, या जो इस बारे में जानते हैं उनके लिए भी उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, और बहुत लोगों के लिए आई ओपनिंग होगी, काफ़ी लोग जानते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये आई ओपनिंग रहने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा इंसान, मतलब लास्ट तक के हाँ ये बोगस वोटिंग ऐसे हो गई, ओके ऐसे हो गई, तो फिर हीरो कैसे पकड़ेगा, पकड़ने के बाद भी क्या होता है। तो इन डेप्थ जो हमारे सिस्टम में चल रहा है, हालांकि हम इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं। सो ये मूवी आपको कॉमेडी है जो हंसाएगी ज़रूर क्योंकि कैरेक्टर ही उल्टे हैं, उसके साथ आप देखेंगे इसका एक सीरियस साइड भी है क्योंकि ये जो हमारे राइट्स होते हैं वोटिंग के, वो बहुत बार आप देखोगे तो बहुत लोगों के नाम आते ही नहीं है, और कभी कभी आप देखते जाओगे जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो भी होते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये सिस्टम चलती कैसे है, सो इट इज़ लाइक द रेवोल्यूशन और रिविलेशन कि ये रैकेट फॉर्म कैसे होता है और ये रैकेट कैसे चलता है। सो इट कैन बी अ वन साइड ऑफ द ट्रुथ, देयर कैन बी मेनी मोर ट्रुथ्स टू, बट वी आर जस्ट एक्सपोजिंग एट द मोमेंट वन साइड ऑफ इट कि ये रैकेट बनता कैसे, ये रैकेट चलता कैसे और सालों साल क्यों चलता है। मेरे ख्याल से अभी आने वाले इलेक्शन में इसके बाद काफ़ी सुधार हो जाएगा, जिस तरह से आपने बताया तो इलेक्शन में काफ़ी फायदा होगा और टू सेंस में वोटिंग होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जैसे बताया कनेक्टेड ये है, तो इस बार ये फिल्म बहुत ही बढ़िया काम करेगी क्योंकि इस तरह की स्टोरी अभी तक आई नहीं है मेरे ख्याल से, और मैं भी पहली बार ये लाइन सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन आई ओपनर तो ज़रूर बनेगी फिल्म, और मैं भी उम्मीद करता हूँ। किसी ने उल्टे के बारे में वो जो असल बात है वो नहीं बोली होगी, ये जो फिल्म है उल्टे, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जमाना घनघोर कलयुग है, घनघोर कलयुग में सब दया के ऊपर चलता है। जो चार स्तंभ होते हैं सतयुग के, वो तीन स्तंभ तो गायब हैं, एक स्तंभ बाकी बचा वो घनघोर कलयुग का है, और जब घनघोर कलयुग का चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ उल्टा है, एक आदमी सीधा है।
एक आदमी सीधा है जिसका किरदार किया है हमारे हमारी डार्लिंग जीत ने, जीत उपेंद्र ने, और जैसे उन्होंने कहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी है। अरे मैं तो पहले बोल रहा हूँ, उसकी थ्रू आउट लाइफ में, थ्रू आउट द फिल्म उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन वो सच्चा है, सीधा है, अशुद्ध हिंदी हिंदुस्तानी वोट की तरह है, इस तरह से गुंधा हुआ है। हमारे मनोज जी ने जो राइटिंग की है, आई थिंक दिस इज रस्टिक, एक मट्टी में गुंधी हुई मट्टी की कहानी है, मट्टी में गुंधी हुई एक स्टोरी है, जो सेंटर का आपको पॉलिटिक्स दिखता है, जो कि आपको उसकी रवानी आपको देखने को मिली होगी जब इलेक्शंस हुए होंगे, कि कैसे ऑपोजिशन क्या करती है, गठबंधन कैसे करता है, दूसरा कैसे करता है, तीसरा कैसे करता है, उसकी जो जो गलाजत है वो लोगों की आत्माओं में है। इसमें तीन लोग हैं, मुझे कहने वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो सर इजाजत है, मैं नो यू आर माय बॉस और आप कुछ हैं, क्या है कि ये जो तीन करेक्टर हैं, मुश्ताक खान, आदि, अरुण बख्श, ये तीनों दर्शित करते हैं उस तरह की राजनीति, जैसे राजनीति में कुत्तों की तरह राजनीति करता है, इसको फाड़ा उसको फाड़ा। ये पोस्टर भी दिखाते नहीं है, ये पोस्टर हमारी फिल्म को, हमारी स्टोरी को न्याय नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सीधा सच्चा हमारे डायरेक्टर साहब ने जो भी कम समय में मिला है, ये तीनों लोग इस तरह से हैं, एक दूसरे को काट दे, पॉलिटिक्स में मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उनको सत्ता चाहिए अपने अपने लेवल की, एक सरपंच है, एक डिप्टी है, उसके ऊपर एक और है, वो तीनों का जो वो चलता है, वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये फिल्म को आप इस तरह से ईजी मत लीजिएगा, ये डायरेक्टर की सोच है, उसका बच्चा है डायरेक्टर का, और हमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा है, बहुत प्यार से हमने इसको पाला पोसा है, हमने 8-8, 10-10 दिन जो 12-12 दिन दिए हैं, उसमें हम उसके इसमें किसी और के बारे में सोचे ही नहीं, अपने घर वाले उनको बोला साइड में हो जाओ, वो बाहर का काम साइड में हो जाओ, एवरी वन एंड ऑफकोर्स ही इज प्लेइंग फादर टू उल्टे, उल्टे इज जीत उपेंद्र, और इनका जो रोल बना है जैसे किया है, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, जिस तरह से इनको इनको ग्रो किया है, ओए होए होए, और ये फैमिली की तरह, इसमें कभी किसी एक्टर को ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई है कि उसका बड़ा रोल, उसका छोटा रोल, उसके लाइन ये, उसका वो, क्योंकि सर पे ऐसा, अगर मैं अपने आप को पगला कहता हूँ या मुश्ताक पगला है या आदि पगला है, तो इस फिल्म में सबसे बड़ा पागल जो बैठा है वो नीली शर्ट पे बैठा है, टोटल मैड। आई वॉज सो प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद दिस जेंटलमैन, ही इज लिटरली अ मैड मैन, अपने काम की तरफ, अपने शॉट की तरफ। आप देखिए ये शॉट लगा, एक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये उनकी जद है, उधर से एक भीड़ आती है और वो फ्रेम में अगर आ जाए तो हमारा अच्छा खासा शॉट जो बड़ा लगाया है 4 या 5 मिनट का वो खराब होता है। ये आदमी इधर से भागता है, भागता है, भागता है, उनको चार सुनाता है गुजराती में, हम पंजाबी में वो बोलते हैं, एक गुजराती में बोलता है, बोलता है, बोलता है, उनको हटाता है, फिर आता है, आके फिर शॉट देखता है। मैं तो कहूँ ऐसे डायरेक्टर को मैं ऐसे करके सलाम करूँ, जिसका नाम है मनोज नथवानी। Manoj Nathwani is the simplest man I have ever seen. Ever seen, simplest man. He works like mazdoor, but he is a king. He is a king. He is first among equals. अपने equals में आज के direction में समकालीन लोगों में he is number one. आज इस ये नई फिल्म है और उस हाँ जी हेलो मुझे हो सकता है 4 लुक्स मिले इसके बाद, लेकिन हमारी फिल्म कहीं आगे है, कहीं आगे है, उसकी स्क्रिप्ट, उसका जो क्रिसेंडो है,
कोई छोटा एक्टर नहीं है. ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब, ही हैज डन एक्सीलेंट जॉब, बॉसी हैज डन अ गुड जॉब, हमारी लड़की शी इज सो गॉर्जियस एंड अबव ऑल अ फैंटास्टिक एक्टर, और आपने भी बहुत अच्छा रोल किया है. और क्रेडिट गोज टू आर डायरेक्टर. मैं आपको कहूँ कि वो जो 10 दिन थे जिंदगी के बेहतरीन थे. जब मैं वहाँ से निकला तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन. मैं घर से भी अपनी हैप्पीनेस लेके आया था, सुख लेके आया था, लेकिन जब मैं जा रहा था मेरे पास सुख इतना अबंडेंस में था. अचानक मुझे खबर मिलती है कि मिस्टर बख्शी, हमारी हिमांगनी जी, उनको इंट्यूशन वाइब्रेशन आती है कि एक गाना हम अरुण बख्शी साहब से गवाएंगे. मैंने अपनी ज़िंदगी में 320 गाने गाए फिल्मों में, और मेरी मैंने किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, मैंने कुछ म्यूज़िक सीखा नहीं है, लेकिन मेरी सोबत जो है वो कमाल कमाल के लोगों के साथ रही है. आई स्टार्टेड फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी टू आनंद बिलेन, भपीदा, राजेश रोशन, ये सब लोगों के साथ मैंने बहुत शानदार काम किया. उनकी सोबत में बैठा हूँ, मैंने उनसे बहुत सीखा. मुझे एक गाना उनका हुक्म था, क्योंकि शी इज़ अ डिवाइन पर्सन. हिमांगनी जी इज़ अ डिवाइन पर्सन एंड जीत कुमार जी, दे आर वंडरफुल पीपल. उन्होंने मुझे एक गाना दिया कि ये गाना है, हमारी फरमाइश ये है कि इसमें दो लाइनें हमारी होगी, बाकी सारा गाना आपको जो करना कीजिए. मुझे मेरे डायरेक्टर ने आज़ादी दी, मेरे प्रोड्यूसर्स ने आज़ादी दी, और मेरा भी वैसे स्टाइल ही कुछ ऐसा है, जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग में मेरे सिवा या रिकॉर्डिस्ट के सिवा या मेरे अरेंजर के सिवा कुछ चौथा आदमी होता ही नहीं है. और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो मुझे अरेंजर मिला, जो मुझे लोग क्या स्ट्रगल में फ़ोन करते रहते हैं लड़के लड़कियां कि हमको काम चाहिए काम चाहिए. एक अदद फ़ोन आया मुझे कि सर मुझे आपके साथ काम करना. मैं क्यों काम करना है एज ए म्यूजिशियन? बोले सर आप पागल हो सर. मैं कह चलो गुड. और वो जो मेरा अरेंजर है उसका नाम है आर दिनेश, और वो है ए आर रहमान का स्टूडेंट है. मुझे ये एक बहुत अच्छा मिला. जो मेरा गाना है बेबी को पैक पिला दो, आपकी ऊपर ये हमारी बेबी है, इसी को हमने गाने में पैक पिलाए हैं, और इसी ने हमको बाद में लूटा है, इसी ने लूटा है लड़की ने. और वो गाना ऐसा बन गया है, मैं किसी भी एंगल से म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लगता हूँ. किसी एंगल से मेरी बातें ना, तो मुझे पॉलिटिक्स आती है ना डिप्लोमेसी आती है, कुछ नहीं था. अप्रोच है शुरुआत से इसी अप्रोच में रहा हूँ, लेकिन ब्लेसिंग्स थी हिमांगनी जी की, जीत साहब की, और हमारे एस्टीम डायरेक्टर साहब एंड विद माय हीरो जीता जीत उपेंद्र. वो गाना इतना शानदार बन गया, मेरे ख्याल से उसकी बारी आएगी. ऑफकोर्स आएगी ना. कब आएगी बारी? ये बस गणपति की, ये गणपति के सीजन के बाद में ही बारी आएगी. गणपति वो सारा आशीर्वाद, हाँ, गणपति में से पुण्य करो फिर पैक पिलाओगे. हाँ, पैक पिलाओ. इधर गणपति खत्म हुए उधर से पैक पियेंगे. और वो इट इज अ सॉन्ग व्हिच यू लव इट, लव इट. अरे जी थोड़ा गाना पड़ेगा, इतना होता है थोड़ा सा. हां नो प्रॉब्लम. ओके तो फिर आप तालियां मारो यहां पे सब. हां वो कैमरा वाले मत मारो, तो कैमरा से शुरुआत कर दूं. बेबी को पैक ला दो, बेबी को पैक पिला, ताले 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 सतीश. बेबी को पैक पिला दो, बेबी को पैक पिला दो, या या या. बेबी को पैक पिला दो, बेबी को दो पैक पिला के, बेबी का मूड बना दो, या या या. बेबी को स्वर्ग दिखा के, बेबी के होश उड़ा दो, बेबी को मौज दिला दो, या या या. ललन टॉप टॉप टॉप, ललन टॉप टॉप टॉप, ललन टॉप टॉप टॉप, ललन टॉप टॉप टॉप, पारी रॉक रॉक टॉप, पारी रॉक रॉक टॉप, या या. आपको मायूस नहीं करेंगे, दुनिया को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला हमारा गाना सुपरहिट था, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा. ये हमारा लास्ट सुपरहिट था. उसके बाद ये गाने के लक्षण कुछ ऐसे लग रहे हैं कहीं सुपर डुपर हिट ना हो जाए, और होगा, डेफिनेटली होगा. आप जरा अपनी जबानों से बोलिए होगा. 1 2 3 4 रेगिस्तान क्या 1 2 3 4 होगा. बस आपकी दुआएं चाहिए दोस्त. ये फिल्म के बारे में मैं आपको जितना बता सकता हूं, मैं इससे ज्यादा ना बताऊं तो अच्छा है.
इसमें जो मैंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया एंड इसमें जीत उपिंदर हैज डन एक्सेलेंट जॉब. जीत उपिंदर्स बेस्ट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी, मैं जब भी उसके एक शॉट देखा हूँ, दो शॉट देखा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आए. हम क्या होता है कि कभी कभी इकबाल मुद्दत के बाद आता है. इकबाल का मतलब है वो जो ऊंचाई है वो ज़रा लेट आती है, इकबाल ज़रा देर से आता है. और मेरे ख्याल से मेरे यार मेरे दोस्त जीत उपिंदर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है. ये इनफैक्ट सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नए प्रोड्यूसर्स दे हैव गिवन अस ईच एंड एवरीथिंग. आर स्क्रीन डायरेक्टर अभी शर्मा रहे हैं, ये शर्माने वाली चीज़ नहीं है वैसे. ये ही इज़ अ फुल ऑफ लाइफ मैन. जितनी लाइफ मुझ में उसके 10 गुने ज़्यादा ही हैज़ लाइफ. एंड नाउ माई फ्रेंड ही इज अ मार्वलस एक्टर इन दिस दिस फिल्म. यू गॉट टू से समथिंग. जी वेल वेल, इस फिल्म के लिए मैं खास ये बोलूँगा कि मैंने गुजराती में बहुत काम किया, 550 के ऊपर फिल्में की एंड ऑलवेज एज अ विलन. बट इस फिल्म में मुझे इतने शेड मिले हैं करने के कि आप देखेंगे कि कहीं विलन बन जाता है, कहीं कॉमेडियन बन जाता है, कहीं एक नंबर का चमचा भी बन जाता है. हाँ, लेकिन जहां पे उसके बेटे की बात आती है उल्टे उल्टे हिज बेटे. या आई एम प्लेइंग जीत्स फादर, उल्टेज फादर. एंड इसमें मुझे काम करने का इसलिए मजा आया कि हर टाइम जब मेरे हाथ में सीन आता था तो सीन के वक्त मैं चौंक जाता था, यार ये सीन क्या है, ये कुछ अलग है. वरना क्या होता है कि एक सीन से दूसरा सीन लिंकअप तो होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ नया हो तो एक्टर को कुछ करने का मजा आता है. और वही चीज मुझे लगती है कि इस फिल्म को देखते वक्त भी आप ये बोलेंगे कि अब ये होगा और उससे उल्टा होगा, तभी आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, तब पब्लिक को और मजा आता है फिल्म देखने का. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस फिल्म बिकॉज इसमें हर जगह पे एक से एक कैरेक्टर ऐसे मिले हैं और ऐसे सबका परफॉर्मेंस का टकराव हुआ है कि आप खुद सोचेंगे कि ये बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर. लेकिन इसमें हर आदमी एक दूसरे से बेटर ने बेटर ही काम किया है. और आप लोगों को भी फिल्म देखने का इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप सोचेंगे ये होगा और होगा उल्टा, इसलिए. या, और हमारी जो लड़की है ये कितनी कितनी इनोसेंट लग रही है, लेकिन है नहीं वैसा. बिल्कुल ये लड़की इनोसेंट नहीं है, बिल्कुल. रब ने इतना सोना चेहरा दिया इसका, ना जी ना ये नहीं है इनोसेंट. उल्टे इसने हमको उल्टे लटका के जो तीनों को मारा है, मारा है, जो मारा नहीं खाते चार बोल पांचों आपस में फंसे, ये पांचों मतलब इसका इनोसेंस जो आया है जिस हिसाब से इन्होंने किया है हमारे साथ में. ये गाना जो मैंने गाया है, ये बेबी को पैग पिला दो, ये पैग पी पी के जो इसने हम चारों की जो की है वो आया है. अब आप कुछ कहिए. ये गाना चाहते हैं बिल्कुल. शुरुआत यहीं से हुई थी, इन लोग ना मुझे पेट पिला दे और ना वाट लगती. या ये वाट आप वाट समझते हैं ना, ये इनका ट्रेडमार्क है वाट वाट. नहीं, ये फिल्म करने का मुझे बहुत ही मजा आया. और ये एक मैंने भी काफी गुजराती फिल्म तो बहुत सारी की है, फिरोज भाई ने मुझे बहुत सारी फिल्म साथ में किए. और लेकिन पर्टिकुलर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का जो किरदार है मेरा, जैसे अरुण जी बता रहे, मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती कि मैं इतने सारे दुरंधर लोगों को मैं नचाऊंगी. एटलीस्ट फिल्म में मुझे नचाने को मिला तो अब आके नचाया. ये मदमाती नजर से मुझे देखती थी, मुझे लगता था कि ये हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी एनर्जी शिफ्ट होती थी हमारे मुश्ताक खान के ऊपर जाती थी. उसका नाम था भाऊ, भाऊ का करेक्टर किया मुश्ताक, और वो भी फंसते फंसते बचता था, फिर आदि आ जाता था. इन्होंने अपनी मदमाती आंखों से जो हम तीनों के साथ में वो किया है, वो इस गाने में चित्रण है ना, और हम खुश हैं. हाँ किरण जी आगे. तो मुझे बहुत मजा आया और गाने भी इसके आपने गणपति वाला तो सुना ही, बाकी जो तीन गाने हैं वो भी बहुत जबरदस्त गाने हैं. लोग फिल्म के साथ साथ गाने भी बहुत एंजॉय करेंगे. और ये वाला गणपति वाला भी मुझे लगता है कि सही में मतलब हिट होगा, और ये सीजन में गणपति जब आएंगे तो यही गाना बजेगा.
देखिए मैं तो कभी कभार वाला म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, फरमाइश पे म्यूजिक देता हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे साथी इनके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, गाए हैं बहुत सारे गाने मैंने और सुरेश भोसले जी ने। ही इज सच अ वंडरफुल सिंगर एंड ए सिंपल मैन, सिंपल मैन, वही सिंपलनेस जो है वो इस पॉजिटिविटी में दिखती है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और साजिदा जी, जी मैम, मुझे बहुत मजा आया पिक्चर करके, मेरा एक बहुत ही अच्छा और वंडरफुल एक्सपीरियंस था अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, और साथ ही हमारे वन ऑफ माई बेस्ट डायरेक्टर मनोज सर, जिन्होंने इतने खूबसूरती से इतने बड़े बड़े मुश्किल सीन किए कि हम लोगों को पता ही नहीं चला। और बाकी भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप लोग जरूर देखें। एंड कंग्रेचुलेशन टू हिमांगनी मैम एंड जीत सर, और मैं चाहती हूँ ये पिक्चर सुपर हिट रहे, आप सब लोगों का सपोर्ट रहे। सर मैं बोलने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक प्यारा सा एक्टर सचिन है, एक्टरों के साथ एक्टर कहा जाए तो सचिन जी, सचिन जी क्या कहना चाहोगे? मैं जस्ट गाने के बारे में कहता हूँ, हर साल मैं भी गणपति बेटा लोग मेरी संस्था की तरफ से है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप देखिएगा। और सॉन्ग के साथ अगर उल्टे के बारे में कहूँ तो महाराष्ट्र की भूमि में सतारा में फिल्म हुई है, जहाँ पे दबंग वन, दबंग टू, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का जो शूट हुआ है वहाँ पे। तो मनोज सर मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम दिया था, और मैं लोकेशंस देख रहा था, हम लोग सांगली गए थे, सांगली में हम लोग फाइनलाइज किया था। फिर सर कहीं तो नाराज़ थे कि सांगली में थोड़ा लंबा हो रहा है, एक्ट्रेस लोग को तकलीफ होगी, थोड़ा ऑटर्स नहीं मिल रहे थे उतने अच्छे, और क्राउड की भी तकलीफ था। तो फिर हम लोग, मेरा एक फ्रेंड है वाई में, वाई पटा, तो वहाँ पे हम लोग आए जहाँ पे अक्षय कुमार जी रुकते हैं उनके होटल में। फिर वहाँ पे आने के बाद मनोज जी को बहुत अच्छा लगा वो लोकेशन, मनोज सर को, और वहाँ पे हम लोग ने शूट किया। मतलब इतना मेहनत किया है ना, आप एक फिल्म देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल करियर से भी हूँ, ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतना मतलब इसमें कॉमेडी है, इसमें पॉलिटिकल जो वोटिंग का, जो बोगस वोटिंग का बोला वो भी है, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत अच्छे गाने हैं। और मैं तो पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ, जो एक्टर्स हैं, मैंने फिल्में तो बहुत सारी देखी है, लेकिन मैंने लाइव शूटिंग देखा, मैंने काम किया इन सबके साथ में, आप इतना बोलोगे कि एक से बढ़कर एक है इसने, एक से बढ़कर एक। और अगर ये सब किसने किया है तो मनोज जी, मनोज सर। और आगे बॉलीवुड में इतने सारे, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स है, लेकिन अभी मनोज जी के पास नंबर आ जाएंगे, नंबर लग जाएंगे, मतलब बोलेंगे मनोज जी अब मेरी मूवी करो, ये होने वाला उल्टे के बाद, उल्टे देख लीजिए। एक नाम जो है शख्सियत, वो कोने में खड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे, दो तरह के मेघराज हैं, एक तो आसमान से मेघराज आते हैं और एक जमीन में हमारे मेघराज हैं। ये मेघराज शांत रहता है कसम से, एकदम 6 महीने में एक बार मुस्कुराते हैं मेघराज जी, और एक साल में 3 बार तो हंसते हैं, और बाकी अपने कैमरे की उसमें लगे रहते हैं। ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, मेघराज जी इज अ वंडरफुल कैमरामैन। I know him since he was assistant to some directors, but he is a fantastic cameraman. Sir, Manoj ji, please. Manoj sir, अभी आप कुछ कहें। हाँ सर, पहले गाने के बारे में ये कहाँ बात करूँ? गाने तो सर आप लोगों ने सुना, सभी के मुँह से सुना, मैं कुछ छोटे से ऐसे आठ दो मिनट के लम्हे हैं। जैसे मैं अभी इस वक्त में लक्ष्मण राव तात्या रानी के साथ बैठा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा कलेक्टर IAS ऑफिस का रोल दिया, और सचिन को, सचिन नहीं आ रहा था, भाग रहा था, लाइव प्रोड्यूसर था, मैंने कहा तू लाइव प्रोड्यूसर तो रोल कर, वो बच्चा नहीं कर रहा था, लेकिन बोला तेरे अंदर अच्छा एक्टर है, मेरा दोस्त इसके लिए नहीं, और तेरा काम पहुँचना चाहिए। तो थैंक यू सचिन, बहुत अच्छे से, और श्वेता ने भी बहुत अच्छा काम। अभी मैं एक छोटी सी बात, अभी जैसे इन लोग को देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी आपको के साथ, मैं कैमरा है ना, लग रहा है मैं उल्टे के सेट पे ही हूँ और इन लोग का कंटिन्यूटी का सिंचान हुआ, लेकिन मेरा जीत, मेरे मुस्ताक और मेरे अडी, तो तीनों को मैं आज मिस कर रहा हूँ। We are missing them. दिल से आज जब अगर उल्टे है तो मेरे उन तीन साथियों के बिना मुझे लग रहा है कि अधूरा है। फिर भी अगली प्रेस मीट में हम लोग मिलेंगे, तो जब शूटिंग के दरमियान फिरोज भाई का गेटअप आपने देखा है, तो कभी कभी वैनिटी दूर रहती थी, और फिरोज भाई कभी दो दो घंटा शॉट में है तो जरा जो नेचुरल स्वच्छ भारत के लिए जाते थे, तो पता चला क्राउड के साथ वो, क्योंकि काफी 40-50 लोग एक साथ जाते थे, तो उनमें से फिरोज भाई को मैं पहचान नहीं पाया एक बार
उतने घुल मिल गए थे, फिर मैं फिरोज को पैसे देता था, क्राउड वाले फिरोज भाई, जो हमेशा क्राउड के बीच में से उनको ढूंढ के लाना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा हो गया, हमारे जीत जिसका गेटअप ये टोपी वाला है, तो कहीं बैठना था तो झाड़ू आ गया हाथ में, तो वो मस्ती में हम लोग, मैंने मेरे मोबाइल पे जीत का फोटो लगा था, तो गांव वालों ने चर्चा कर दी, बोले केजरीवाल पे फिल्म है। तो वो अभी एक्साइटेड होते हैं, गांव वाले बच्चे हैं, तो तीन दिन तक मुझे समझाते समझाते नाक में दम आ गया। फिर जब जीत का उपवास का शॉट आया, बोले नहीं अभी तो ये अन्ना हजारे की फिल्म है। तो काफी मिलते उस थॉट प्रोसेस से है, जब वो जब होता है ना चुनाव होता है, चुनाव के बीच में कैसे पत्तेबाजी होती है कि मेरा पत्ता बड़ा उसका पत्ता छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, वो जो पत्तेबाजी है उसका चित्रण बड़ा कमाल का किया है। तो हम ऐसे नहीं आशिक हैं, आशिक होने के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, इनकी हम आशिक हैं। जी सर, तो बस शूटिंग में ये ऐसा काफी बारिश भी बहुत पड़ती थी और हम लोग सब मिलजुल के काम करते थे, इतने बड़े एक्टर्स मुश्ताक साहब से लेकर अरुण जी से लेकर फिरोज भाई, जीत साहब, सभी लोग, लेकिन इवन साजिदा मैडम भी, लेकिन हम लोगों ने फैमिली की तरह फिल्म बनाई। और मैं पहले ये बोलता हूँ कि आप लोग थर्ड आए होते तो मैं कॉन्फिडेंस है, मैं फिल्म बनाया हूँ ऑडियंस के लिए, वो मेरा भगवान है और उसे एंटरटेन, लेकिन फिर भी आप लोग भी इस फिल्म की दिल से तारीफ करोगे इस यकीन के साथ। अगर आप फिल्म देखने के बाद मैं आपको जब छूटेगी तभी मैं ही खड़ा रहूंगा, आप सब मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार के जाना अगर पसंद नहीं आए, और पसंद आई तो सब एक दुआ देके जाना कि फिल्म काफी लोग। अरुण जी भी साथ में।